तीसरी चीज बिल गेट्स का, जैसे मैंने आपको बताया पिछले 5-10 साल के जो आप उनके सारे इंटरव्यूज कलेक्ट करते हो ना, तो अधिकतर इंटरव्यूज में आप ऐसे लगा लिए ऑलमोस्ट हर, हमने ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं देखा जिसमें उन्होंने पॉपुलेशन को इशू के तौर पर नहीं बताया, पॉपुलेशन कंट्रोल ना बोला हो, डिपॉपुलेशन तो नहीं, पॉपुलेशन कंट्रोल बोलते हैं वो, ऐसा एक भी इंटरव्यू हमने नहीं देखा पिछले इतने जितने साल के इंटरव्यूज आप देख लो। तो यानी बिल गेट्स पे चाहते हैं, अब वो चाहते क्यों हैं और हम लोग क्या कर सकते हैं? चाहते हैं इसलिए हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी जो वेस्ट की है वो ह्यूमंस के दुश्मन है, या तो टेक्नोलॉजी रहेगी ह्यूमंस रहेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी इंप्लॉयमेंट खत्म करेगी। एआई तो तभी आएगी ना जब जनता, इंसान बचे ही नहीं ना, और इंसान बच गया और एआई भी आ गई तो नौकरियां कौन करे? अभी आप लोग जो नौकरियां कर रहे हैं, अब जैसे जयप्रकाश जी नौकरी कर रहे हैं, तो यूएस में 2-3 साल बाद उस नौकरी की जरूरत नहीं पड़ने वाली अगर वो अप्लाई कर गए, और आज भी इतनी टेक्नोलॉजीज हैं तो अधिकतर लोगों की नौकरी खत्म हो जाएगी, तो फिर जो सारे लोग प्रोटेस्ट करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर उन लोगों का कहाँ जाएंगे? तो टेक्नोलॉजी तो दुश्मन बनती जा रही है ना, जैसे राजीव दीक्षित जी क्या बोलते थे कि टेक्नोलॉजी मतलब होना चाहिए जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर पाए, ये राजीव दीक्षित जी के एग्जैक्ट शब्द हैं, जो रोजगार प्रोवाइड कर पाए वो है टेक्नोलॉजी, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी कुछ अलग प्रकार की है। अब वो टेक्नोलॉजी में गलती भी नहीं है, वो ह्यूमन रेस ऐसे होती रहती है, डेवलप होती रहती है, क्योंकि उन लोगों का मकसद आप समझें, उन लोगों का ये बहुत कॉमन स्टेटमेंट है जो मैं आपको बोलने जा रहा हूँ कि वो डेवलपमेंट की उनकी डेफिनेशन होती है विक्ट्री ओवर नेचर, उसको वो डेवलपमेंट बोलते हैं कि जो नेचर के ऊपर हम काबू कर लें तो उसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं। ये जो सारे जितने सोशियोलॉजिस्ट हुए हैं, कार्ल मार्क्स और जितने भी इनके साथ के हुए हैं, तो सब ये कहते हैं जितना मनुष्य का कंट्रोल नेचर पे हो जाएगा उसको हम विकास बोलेंगे। तो है ही उनका विकास की परिभाषा, मूल देखो आप, मूल क्या है कि नेचर को काबू कर लेना, प्रकृति को काबू कर लेना। तो जाते जाएंगे सर, अब आगे बात आती है कि लोगों को क्यों नहीं पता चला, जब इतने सामने एविडेंसेस हैं, तो आपको ये समझना है कि लोगों को कभी भी कुछ भी पता चला ही नहीं है आज तक। सबको नहीं पता क्या कि गुटखा पान मसाला खा के तबीयत खराब होती है? सबको नहीं पता क्या शराब पी के तबीयत खराब होती है? सबको नहीं पता क्या क्या बुरा है क्या भला है? सबको पता है। तो ह्यूमंस बने ही ऐसे हैं, इसलिए ह्यूमंस की मृत्यु होती है। अगर ह्यूमंस इन सब से हट गए तो ह्यूमंस शरीर भी खत्म हो जाएगा, ह्यूमंस की अवेयरनेस अगर जग गई तो मृत्यु संभव नहीं। गौतम बुद्ध महावीर पूरा रिलीजन इस पर बना हुआ है, अगर ह्यूमंस जग गए तो तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, लेकिन अगर तुम नहीं जगे तो तुम्हारी मृत्यु होगी। अगर आप लोग और हम लोग ही, हमें देखोगे, हम सब अगर हम नियमित कसरत करें, सही तरीके से खाना खाएं, सही तरीके से सोएं, एक रत्ती भर का तनाव ना रखें, तो आप लोग अगर 100 साल के हो, और उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, उदाहरण के लिए हम लोग घरों के अंदर ही ना रहें। जो लोग 200-200 साल 300-300 साल जीते हैं, जो कि वेस्ट दबा रहा है, जो कि आप वहां पे जब जो लोग कैलाश पर्वत जाते, कैलाश माउंटेन की ट्रैक की तरफ जाते हैं, हालांकि कैलाश के पास जाना अलाउड नहीं है, उसके अराउंड जब लोग जाते हैं, तो वहां पे कुछ ऐसे लोग मिले हैं जो कहते हैं हम तो 400 साल से जी रहे हैं, और फिर उनसे पूछो कि कैसे संभव है कि हम लोग कर सकते हैं, तो बोलते हैं कि आप लोग जिस बंद एनवायरमेंट में रहते हो ना, तो आप लोग नहीं कर सकते, क्योंकि सूरज की किरणों के पास आपको हर वक्त रहना है, रोशनी पड़नी चाहिए, रोशनी नहीं है तो खुली हवा होनी चाहिए। तो ऐसी भी बातें हैं, लेकिन हम लोग भी तो कमरों के अंदर बंद रहते हैं। अब हम लोग फिर क्यों नहीं जग रहे? अब हमें पता है कि वाईफाई, ब्लूटूथ बहुत हानिकारक है, लेकिन अभी भी हम ब्लूटूथ यूज कर रहे हैं, हम भी तो यूज कर रहे हैं अभी, तब आपसे बात करने वाईफाई, सबको पता है। तो इंसान हमेशा ऐसा कर ही रहा है। आप पुरानी पीढ़ी से पूछो, अपने दादा दादी से पूछो कि आप दादा दादी बताओ कि मैंने क्या क्या गलतियां करी बचपन में, वो देखो पूरी लिस्ट निकाल के दे देंगे आपको। हम सब कर ही रहे हैं, हम सब ऐसे कर रहे हैं। आप जानते हैं सिंगापुर, मैम ने इनफैक्ट वीडियो भी बनाई थी, स्वीडन और बहुत सारे देशों में बच्चों के स्कूलों में वाईफाई यूज करना, वाईफाई शट डाउन कर देते हैं जैसे ही काम खत्म हुआ। जैसे हम घरों में क्या रखते हैं, हर वक्त 24/7 वाईफाई ऑन है, वहां पे तुरंत वाईफाई शट डाउन कर देते हैं। एग्जैक्टली, और छोटे बच्चों के स्कूलों में तो वाईफाई अलाउड भी नहीं है। अब ये सबको पता है, हमको भी पता है, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए, सबको पता है। अब तो हम क्या कर सकते हैं? फिर देखिए, हम ये गलतियां करेंगे है और इसलिए हम मरेंगे, मरना ही है हमने, हम मरते ही जा रहे हैं, है ना। ह्यूमंस आर डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, या अगर आप बॉडी को देखोगे तो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है। तो हम गलतियां करते जाएंगे। तो अब लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं? हमें ये करना है कि हमें वीक से स्ट्रांग की तरफ बढ़ना है। अब बारिश देखो,
अगर बारिश हो रही है और किसी पे घर नहीं है, यानी कि कोई इकोनॉमिकली वीक है और बाहर बरसात हो रही है, तो जो इकोनॉमिकली वीक है वो तो बर्बाद हो जाएगा ना। उसका छप्पड़ का घर है वो टूट जाएगा, बारिश में पानी अंदर आएगा, वो ठेला लेके जलेबी पकौड़े बेचने जाता है वो ठेला नहीं लगा पाएगा, या फल बेचने जाता नहीं, वीक है। लेकिन उसी इस बारिश से जो लोग स्ट्रांग थे वो बारिश का आनंद लेते हैं, वो बच्चों के साथ बारिश में खेलने चले जाते हैं, वो अपनी पत्नियों को क्या बोलते हैं, आज तो मजा आ गया, बारिश है, समोसे बनाओ या पकौड़े तलो। तो जो वीक है वो सेम कंडीशंस पे दब रहा है, जो स्ट्रांग है वो सेम कंडीशंस का एंजॉय कर रहा है, और जो और भी समझदार लोग हैं वो बारिश का पानी हार्वेस्ट कर लेते हैं, पानी इकट्ठा कर लेते हैं। कुछ लोग खेती नहीं हो सकती बारिश के बिना। अब जो बारिश की वजह से खेती भी हो रही है, यानी जीवन भी पनप रहा है, और बारिश की वजह से जीवन भी बर्बाद हो रहा है। अगर पूरे 6 महीने बारिश होती रही तो इंसान सामान कैसे बेचेगा अपना, बेचने वाला। तो हम जो वीक है नेचर उसे भी मारेगी। बारिश नहीं तो आप देखोगे जब लू चलती है तभी भी लोग मरते हैं। कौन मरता है? वीक मरता है। और लू गर्मी ज्यादा है, चलो गर्मी से तो मरे, जब ठंड ज्यादा होती है दिल्ली में तभी भी लोग मरते हैं, जब सूखा पड़ता है तभी भी लोग मरते हैं। लेकिन मर कौन रहा है, दब कौन रहा है? ये हमेशा वीक लोग दबेंगे और हर वक्त दबते जाएंगे। और ये जो डीपॉपुलेशन की तरफ आप जा रहे हैं ना, ये अब आप ये देखिए, डिजिटल डिवाइड इतना एक्सट्रीम हो चुका है ना, डिजिटल डिवाइड इतना एक्सट्रीम, आप अपने को और अगर आपके यहाँ कोई मेड काम करने आती है, आप अपने और अपने बच्चे और उस मेड के बीच में डिफरेंस देखें, डिजिटल डिवाइड कितना एक्सट्रीम है। तो अब उन लोगों के लिए ना, ये सारे लोग कैंसर की तरह समझते हैं इन सारी जनता को, ये कैंसर है, क्योंकि ये जनता उनके साथ जा ही नहीं सकती। और वो लोग मालिक हैं, जैसे हम लोग अपने घरों में से मच्छरों को भगा देते हैं ना, ये मच्छर तो हमें परेशान कर रहे हैं, और मच्छर का काम क्या है? तो वो लोग भी ऐसे देखते हैं कि ये लोग तो रिसोर्सेस खा रहे हैं बस पृथ्वी के, ये लोग कुछ बदले में दे ही नहीं रहे हैं। अगर वो बदले में दे सकते हैं तो हमारा काम करो, ये लो सॉफ्टवेयर हम बनाने, हम तुम कोडिंग करके दो, तो भविष्य से तरफ जाएगा। अब अगर जो ताकतवर, जो शक्तिशाली लोग हैं वो नदी का बहाव का दिशा क्रिएट करते हैं, अगर हम इतने शक्तिशाली बन जाएं तो हम अपने बहाव से पूरी दुनिया चलाई जा सकती है, जो इलॉन मस्क की कोशिश चल रही है। हालांकि वो कोई कम लोग हैं, और हालांकि अभी भी नहीं पता किस दिशा में जाएंगे वो आगे, लेकिन अब उन्होंने पूरा ट्विटर खरीद लिया ना, अब उन्होंने बोला, अब वो सीधे बिल गेट्स के अगेंस्ट है, मार्क जुकरबर्ग के अगेंस्ट है, बिल गेट्स के ऊपर तो उन्होंने बहुत बयान दिए हैं। बिल गेट्स एक लेक्चर में बोल रहे होते हैं डावोस मीटिंग में ये कि पॉपुलेशन एक इशू है, अगले दिन इलॉन मस्क का ट्वीट आ जाता है, मैं तो बहुत कंसर्न्ड हूं कि पॉपुलेशन तो ज्यादा होनी चाहिए। बिल गेट्स बोलते हैं बिटकॉइन तो बिल्कुल मत यूज करना, तुम गंदी चीज है। इलॉन मस्क बोलता है बिटकॉइन में मेरी टेस्ला खरीद लो। बिल गेट्स वैक्सीन निकाले, इलॉन मस्क ने उसी दिन 2020 में ही बोला कि मैं वैक्सीन नहीं लगाऊंगा, और फिर किसी मजबूरी के कारण उन्होंने अपना बयान बदला फिर बाद में। तो अब अगर हम शक्तिशाली बनते जाते हैं जैसे इलॉन मस्क हैं, तो आप लोग भी, हम लोग भी अपनी तरह से दिशा चला सकते हैं। लेकिन अंत में आप ये समझिए, ह्यूमन रेस में हमेशा हायरार्की क्रिएट हो जाएगी, हमेशा हायरार्की क्रिएट होगी। एक बहुत फेमस एनेक्डोट बोले, चाहे बहुत फेमस कहावत है कि जितना रिसोर्सेज है ना दुनिया का, जितना रिसोर्सेज है आप इकट्ठा कर लेते हैं, बिल गेट्स का भी पैसा, इलॉन मस्क का, जेफ बेजोस का, अंबानी का, इकट्ठा कर लो और इकट्ठा करके सब में बराबर बराबर बांट दो। कुछ साल बाद आप देखोगे तो जो अभी लोग अमीर है ना, फिर से वही लोग अमीर हो रखे होंगे, फिर से वही लोग दुनिया चला रहे होंगे, क्योंकि वो लोग इस तरह ट्रेंड हो गए हैं कि दूसरों को काबू करके रखना। अब मान लेते हैं कि श्रीधर जी इस पूरी दुनिया के मालिक बन गए, तो जो श्रीधर जी की ओपिनियंस होंगी, हमेशा मालिक वही बनता है जो एक एक्सट्रीम चला जाए, एक एक्सट्रीम का लीडर। कोई भी ट्राइंगल है, जो भी एक्सट्रीम में आप होंगे तो आपकी एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस होंगी। रूलर्स की ओपिनियंस होती है, जिनकी ओपिनियंस नहीं होती उन्हें संत कहते हैं, जैसे कि ओशो थे, उनकी कोई ओपिनियन ही नहीं थी, लेकिन ओपिनियंस वाले लोग ही दुनिया को चलाते हैं। ये दुनिया चलानी लीडर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब ओपिनियन होगी आपकी तो दूसरी तरफ दूसरे इंसान की भी ओपिनियन होगी। तो आप चाहे दुनिया का भला करना चाहते हो, आप चाहते हो कि पूरी दुनिया में भुखमरी खत्म हो जाए, जितने मर्जी इंसान बच्चा पैदा कर ले, या एक कोई थोड़ी बहुत आपके हिसाब से जो सही है उतने लिमिट लगा दो और ऐसे दुनिया चले, तो आप जानते हैं फिर क्या होगा, फिर इक्वेलिटी हो जाएगी। और आप जानते हैं किस दिन कलयुग किस दिन आएगा, जिस दिन इक्वेलिटी कंप्लीटली हो जाएगी। इक्वेलिटी हमेशा वॉर्स क्रिएट करती है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दुनिया के जितने सोशोलॉजिस्ट हैं
यानी कि समाजशास्त्री हैं, वो कहते हैं कि हर वक्त टेंशन्स हैं दुनिया में, लेकिन जैसे रिसोर्स मोबिलाइज होने लगते हैं नीचे वाली जनता के पास यानी प्लोरिटेरियट के पास, तो तुरंत वो अटैक कर देंगे बुर्जुआजियों को यानी कि अमीरों को, क्योंकि हर वक्त छोटे नीचे वाले लोग परेशान हैं, बस उन पे साधन नहीं है लड़ने के लिए, और जैसे समानता होगी लड़ाइयां होंगी। आप क्या प्रधानमंत्री मोदी से जाकर लड़ सकते हो? नहीं, आप अपने पड़ोसी से लड़ सकते हो। फिर कौन लड़ सकता है प्रधानमंत्री मोदी से जो उसके बराबरी के होंगे, जैसे केजरीवाल या ये लोग जो पॉलिटिशियंस होते हैं? तो इक्वेलिटी फिर लड़ाइयां भी लाएंगी। इंडिया क्यों यूएस और क्यों रशिया और अमेरिका की लड़ाई होती है, क्यों वियतनाम और अमेरिका की लड़ाई क्यों नहीं होती, या वेस्ट इंडीज या कोई छोटे से टापू की, सेशल्स आइलैंड की और अमेरिका की लड़ाई क्यों नहीं होती? क्योंकि इतनी असमानता है, कभी लड़ाई होगी नहीं। जानवरों की और इंसानों की लड़ाई क्यों नहीं होती? इतनी असमानता है, कभी लड़ाई होगी नहीं। कभी राजाओं से प्रजा कभी नहीं लड़ती, प्रजा प्रजा से लड़ती है, राजा राजा से लड़ते हैं। इक्वेलिटी केओस क्रिएट करेगी, हमेशा इक्वेलिटी केओस क्रिएट करेगी। और जितनी इनइक्वेलिटी होगी, जो वो लोग कहते हैं, मैं आपको उनकी समझ बता रहा हूं, वो लोग कहते हैं कि यू विल ओन नथिंग एंड यू विल बी हैप्पी, यानी इतनी इनइक्वेलिटी हो जाएगी, लेकिन फिर भी आपको हमने हैप्पी रखने की जिम्मेदारी ली है, क्योंकि वो कुछ विधियां बना चुके हैं, जैसे कि युवाल नोवा हरारे, वो उनके हिसाब से हम जीन एडिटिंग करके ह्यूमंस को हैप्पी रख सकते हैं, ह्यूमंस को हैप्पी रख सकते हैं। तो अब उनकी ये मानसिकता है और ये उनकी समझ है, क्योंकि हमेशा इक्वेलिटी लड़ाई के कारण बनती है हमेशा, और जितनी इनइक्वेलिटी होगी उतनी कम लड़ाइयां होती हैं। लेकिन जो गरीब है, जो दुखी इंसान है, वो उसका दुख वो लोग नहीं समझ सकते ना। उन्हें तो लगता है हम दे तो रहे तनख्वाह, हम दे कर तो रहे सब कुछ, तो ये हमेशा इस तरफ होगा। कोई नया लीडर भी आ गया, सब कुछ खत्म हो गया, सब सॉर्टेड हो गया, तो नया लीडर आ गया, उसकी ओपिनियन को हम बुरा मान जाएंगे, हमेशा होना ही है। तो इसीलिए तो युग खत्म होते हैं, इसलिए तो युग खत्म होते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। अब देखें ना, द्वारका सिटी जो अभी गुजरात के बगल में मिली, लोग तो कहते थे द्वारका तो अंधविश्वास है, लेकिन द्वारका सिटी मिली, लोग बोलते थे ये शिव शिव ये तो अंधविश्वास है, फिर उन्हें कैलासा टेम्पल मिला, फिर वो जाते हैं तो राम सेतु पुल मिला उन्हें तो श्रीलंका और इंडिया के बीच में, वो सारी चीजें एक के बाद एक के बाद एक मिलती जा रही। फिर एक गोबले की टैपी है, एक जगह का नाम है गोबले की टैपी, वहां पे बाइबल, इतनी प्रकार की बाइबल मिल गई कि अब उन्हें रियलाइज हुआ कि बाइबल जो हम बच्चों को पढ़ा रहे थे वो तो बहुत ही अधूरी बाइबल है, वो क्योंकि बाइबल में बहुत सारी चीजें लिखी थी, लोग बोलते थे तो कुछ कहानियां झूठी झूठी हैं। फिर इतनी सारी और बाइबल के हिस्से मिल गए, तो अब उन्हें रियलाइज हो रहा है कि यानी कि पहले बहुत सारी सभ्यता रही होंगी इतने। ये मैं आपको इसलिए उदाहरण दे रहा हूं, वो लोग कहां गए फिर, वो लोग कहां गए, वो द्वारका जो सिटी मिली वो लोग कहां गए, मोहनजोदाड़ो किसी को नहीं पता वो लोग गए कहां, क्योंकि अगर वो वहीं होते तो उनके शरीर की हड्डियां तो मिलती ना इस बड़े स्तर पर मिलती। और आप लोग और पीछे जाओ तो आप लोग कभी आश्चर्य करोगे, आपने कभी सोचा कि अगर इतने डायनासोर पृथ्वी पर थे तो क्यों ऐसा होता है कि सिर्फ गवर्नमेंट ऑथराइज्ड आर्कियोलॉजिस्ट को ही डायनासोर की आज तक हड्डी मिली है, आज तक किसी भी नॉर्मल इंसान को डायनासोर की हड्डी क्यों नहीं मिली, आज तक किसी को नहीं मिली? जब गवर्नमेंट की तरफ से फंडेड रिसर्चेस होती हैं तब जाकर उन्हें हड्डियां मिलती हैं डायनासोर्स की, अगर डायनासोर्स थे तो पूरी पृथ्वी पर क्यों नहीं फैले गए? इतनी इतने गड्ढे खुदते हैं, हर जगह बिल्डिंग्स खुदती हैं, गड्ढे खुदते हैं, कोई बोलता है डायनासोर 20 फीट पे मिल जाते हैं, कोई बोलता है 30 फीट पे मिल जाते हैं, तो इतनी खुदाई हो रही है पूरी दुनिया भर में, कहीं से भी डायनासोर की हड्डियां क्यों नहीं मिलती? इतने भूस्खलन आते हैं, इतने लैंडस्लाइड्स आते हैं, कभी डायनासोर की हड्डी नहीं मिलती, सिर्फ उन्हीं को मिलती है जब गवर्नमेंट बोलती है कि चलो अब ये 6 महीने में हम इस एरिया में डायनासोर की हड्डी ढूंढेंगे, और उन्हें मिल जाती है। तो हिस्ट्री किसी को नहीं पता थी, बस इतना पक्का पता है कि ये डाउनफॉल होता है, और ये भी आप समझ लो जो डाउनफॉल आपका पर्सपेक्टिव आपको दिखा रहा है, यानी कि अगर आप वीक वाली साइड पे हो, वीक वाली तरफ हो, तो आपको डाउनफॉल दिख रहा होगा कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो लोग तो गंदे हैं। और आप इलॉन मस्क हो तो आपके लिए तो लाइफ के सबसे अच्छा टाइम चल रहा है, आप तो ग्रो कर रहे हो, तो आप जिस तरफ हो आपको वो दुनिया दिख जाएगी। इसी वक्त ना दुनिया अच्छी है ना बुरी है। ओशो एक बहुत ओशो से जब ये पूछा क्या इंसान की सभ्यता क्या सच में गंदी होती जा रही है, वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं बड़े लोग, क्योंकि ओशो कहा करते थे कि सन 2000 से पहले पहले बहुत भीषण महामारी आएगी, बहुत भीषण महामारी आएगी, और पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग उसके चपेट में आ जाएंगे।
जैसे अभी आजकल सदगुरु करते हैं ना, सेव सॉइल सेव सॉइल और ये सब, उस टाइम पे ओशो भी बता रहे थे, क्योंकि सारे पॉलिटिशियंस करप्ट हैं, वो ये समझा रहे थे लोगों को, इसलिए उनका मर्डर भी हुआ। तो ओशो ये कह रहे थे, लेकिन फिर ओशो ने बोला कि जो दुनिया के सबसे पहले रिलीजियस टेक्स्ट मिले ना, जो दीवारों में लिखे हैं या फिर जो किताबें दुनिया की पुरानी सबसे प्राचीन किताबें, उनमें भी ये लिखा हुआ है कि आजकल के लोग बुरे हो गए हैं, पहले के लोग तो अच्छे थे। ये हमेशा से ही चल रहा है। आप महाभारत भी देखो, रामायण भी देखो, या जो भी धार्मिक किताब देखो, सब में ये लिखा हुआ है कि अभी के लोग तो बहुत गंदे हैं और कुछ अगले 50 साल में दुनिया खत्म हो जाएगी और पहले के लोग तो बहुत अच्छे थे। उस दिन मैम इतने सारे लिटरेचर लेके आई थी, इतना सारा लिटरेचर लेके आई थी, और उन सारे लिटरेचर में 1900 के न्यूज़पेपर थे, 1900 से सन 2000 के करीब तक के न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स, सारे आर्टिकल्स में ऐसा लिखा हुआ था कि अगले 10 साल बाद तो दुनिया खत्म होने वाली है। फिर अगले आर्टिकल में लिखा था पूरी कूलिंग हो जाएगी, पूरी पृथ्वी में आइस एज आने वाली है, अगर हमने कुछ नहीं करा तो 15 साल में तो आइस एज आ जाएगी और पूरा अमेरिका कनाडा सब खत्म हो जाएगा। वो कर आइस एज, आप जानते हैं 1990 तक आइस एज की बातें होती थी, और जब उन्होंने नोटिस करा कि आइस एज तो क्या, ये तो गर्म हो रहा है कुछ, तो उन्होंने बात पलट दी। फिर 1994 कुछ इस प्रकार से 1992 में रियो समिट हुई, ब्राजील में एक समिट हुई, उन्होंने फैसला किया कि दुनिया तो असलियत में गर्म हो रही है, फिर गर्म नहीं, उन्होंने क्लाइमेट चेंज बोला कि क्लाइमेट चेंज तो हो रहा है, कुछ तो कर रहे हैं। और आप जानते हैं क्लाइमेट चेंज का भी कहां से इशू आया है? वो लोग, मैं हमेशा बोलता हूं आपको, वो लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत पहले के नॉलेज इकट्ठा करके पढ़ चुके हैं। उन्होंने ये बोला है कि किसी दिन 1960s का एक कोट बता रहा हूं मैं आपको, किसने लिखा मुझे याद नहीं, बहुत बड़ा आदमी, शायद हेनरी किसिंजर ने बोला था कि जिस दिन दुनिया का एक क्राइसिस आ जाए, वो ऐसी क्राइसिस जो पूरी दुनिया को दिखे, सिर्फ उस दिन दुनिया को तुम रूल कर सकते हो। यानी कि एक ग्लोबल क्राइसिस चाहिए ग्लोबल ऑर्डर बनाने के लिए, ये उनके एग्जैक्ट शब्द है। और ये तो युवाल नोवा हरारी, जिन्होंने द सेपियंस बुक लिखी है, जो शायद पिछले 50-100 साल की सबसे ज्यादा बिकी हुई बुक है, द सेपियंस, युवाल नोवा हरारी कहते हैं कि जब भी कुछ हमें ऐसा चाहिए कि पूरी दुनिया का अगर एक हमें कलेक्ट वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बनानी है, वो कहते हैं कि हमेशा से सरकारों की इच्छा रही थी, हिटलर की इच्छा रही थी, हिटलर से पहले सबकी इच्छा रही थी, पिछले 300-400 सालों से, 5000 सालों से, वो पूरी ह्यूमन की हिस्ट्री बताते हैं, सरकारों की या राजाओं की इच्छा रही थी कि एक पूरी दुनिया को मैं काबू कर लूं। सिकंदर की भी तो वही इच्छा थी जो बिल गेट्स और इन लोगों की इच्छा है, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, द ग्रेट रीसेट, उसकी भी वही इच्छा थी। तो उस वक्त के लोग भी सोचते होंगे कि सिकंदर कितना गंदा आदमी है, कुछ लोग कहते होंगे सिकंदर तो काबू ही कर लेगा दुनिया को। तो वो युवाल नोवा हरारी कहते हैं कि आज से पहले हर साल हर किसी ना किसी राजा की इच्छा थी कि पूरी दुनिया को मैं अपने हिसाब से चलाऊं, लेकिन आज पहली बार वो कंडीशंस बन पाई हैं कि अब दुनिया को हम काबू कर सकते हैं। आज से पहले कभी कंडीशंस भी नहीं थी, ये युवाल नोवा हरारी का कहना है। और आप लोग उसका उनका इंटरव्यू देखिएगा, आप लोगों को लग जाएगा यार ये तो बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है, वो बोलते ही ऐसे हैं, वो लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी बातों से बहुत ज़्यादा। और वो कौन है युवाल नोवा हरारी? वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो कि द ग्रेट रिसेट ला रहा है, वो कौन? क्लॉस श्वाब के हेड एडवाइजर है, यानी ये क्लॉस श्वाब के हेड एडवाइजर है वो युवाल नोवा हरारी। और क्लॉस श्वाब तो अब बुजुर्ग से हो चुके हैं, जो भी कर रहे हैं ना ये तो ग्रेट रिसेट और ये सब, युवाल नोवा हरारी की बातों के अंदर आके इन्फ्लुएंस होके सब हो रहा है। तो ये हमेशा से हो रहा है, जो वीक था वो बारिश में भी मर रहा था, सूखे में भी मर रहा था, ठंड में भी मर रहा था, और गर्मी में भी मर रहा था, जो स्ट्रांग है वो उसी में अपॉर्चुनिटी ढूंढ के ग्रो कर रहा है। और पिछली क्लास में भी आपको बोल रहा हूं कि आप लोगों को अपने को एज एन एग्जाम्पल सेट करना है बाकी लोगों के लिए। आप लोग खुद पे फोकस करके जब ग्रो हो जाओगे ना, जब पेड़ की तरह विशाल हो जाओगे, तो उसके नीचे लोग अपने आप छांव लेने आ जाएंगे, अपने आप छांव लेने आ जाएंगे। तो ये इसका सॉल्यूशन है। आप ज्यादा लोगों को नहीं समझा सकते, बस आप एक पेड़ की तरह छांव दे सकते हो लोगों को, जैसे डॉक्टर विश्वरूप ने इतने सारे लोगों को समझाया, इतने सारे लोगों की प्रैक्टिकली हेल्प कर दी। तो अब मैं इतना समझता हूं कि आप लोगों के मनों में इन सब को लेके कोई फियर नहीं है, क्योंकि आप लोगों को सॉल्यूशन है कि हमें इतना विकसित हो जाना है। और जो लोग ये 30-30 साल से बातें बता रहे थे ना, अब आप देखें ना इन्फ्लेशन कितनी बढ़ चुकी है, और इन्फ्लेशन तो बढ़ती जानी है। तो वो लोग जो सॉल्यूशंस बताते हैं वो तो अजीब अजीब उनके सॉल्यूशंस होते हैं, अगर आप उनके सॉल्यूशंस सुनोगे
जो अंग्रेज लोग जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हमेशा से बता रहे थे, तो बोलते हैं कि तुम अपने घरों में इतने वॉट की बैटरी ले आओ, बोलते हैं कि 50-60 हज़ार की एक बैटरी खरीद कर रख लो क्योंकि ब्लैकआउट होगा, 5-6 लाख का पानी खरीद कर रख लो, 8-10 लाख का भोजन सील्ड पैक खरीद कर रख लो और एक स्टोर बना दो और खेती करना स्टार्ट कर दो। तो वो उनके सॉल्यूशंस हैं। तो अगर आप वो लोग कर सकते हो तो आप वो भी करें, आप वो भी कर सकते हैं। तो सॉल्यूशंस ये हैं। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें हमेशा लगता है कि ह्यूमंस एक कैंसर की तरह। कैंसर शब्द कहाँ से आया? जो मैम आपको बता रही थी, जॉर्जियन गाइडस्टोन में लिखा हुआ है ये शब्द 1980 में, जो पत्थर लगे हैं उसमें लिखा हुआ है कि डोंट बी अ कैंसर टू दिस नेचर। इस नेचर को कैंसर, इस नेचर के लिए कैंसर मत बन जाना तुम। ओवर पॉपुलेशन के ऊपर लिखा हुआ है वो जॉर्जियन गाइडस्टोन्स। वो किसी को नहीं पता किसने लिखा है, ना कोई सरकार उसको जानना चाहती है, कोई सरकार को पता है वो किसने लिखा है। तो बाकी तो आप हमेशा होता रहेगा, एक के बाद एक होता रहेगा, होता रहेगा। और मैं भी अगर दुनिया मेरे अंदर आ गई तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा और बहुत सारी रेस खड़ी हो जाएगी मेरे खिलाफ, डॉक्टर विश्वरूप के खिलाफ भी हो जाएगी खड़ी। सच ओपिनियन है। और आप ये समझे कि जब शिव थे ना, शिव भी मान लेते हैं राम से ऊपर का कोई इंसान ही नहीं है, मान लेते हैं, लेकिन राम की भी जब आप कहानियां पढ़ोगे तो उसके अंदर भी आप देखोगे कि कितने सारे लोग उनसे क्रोध करते थे, कितने सारे लोग चिढ़ते थे। कैसे राम ने एक शूद्र के कान में कांच पिघलवा कर डाल दिया, ये किताबों में लिखा है। अब कोई परसेप्शन कुछ हो सकता है, कोई परसेप्शन कुछ हो सकता है। पूरी दुनिया में अगर राम राज भी आ जाएगा ना, तो दूसरी तरफ इस्लाम खड़ा हो जाएगा, लड़ाइयां चलती रहेंगी। लड़ाइयां हमेशा से हो रही हैं, हमेशा से क्योस हो रहा है। बस आप लोगों की कुछ 40-50 साल की और जीवन है, या 60 साल का और जीवन, उस जीवन में आपको एग्जाम्पल बन के बाहर निकलना है बस। और शायद ये वाक्य सुन के आप एकदम रिलैक्स हो जाएंगे, क्या 50-60 साल ही तो रह गए आप लोग के, बस क्या रखा है। अपने को रिलैक्स कीजिए, डेथ को समझिए क्या है, क्योंकि डेथ के बाद सब कुछ खत्म नहीं होने वाला। और अगर ये भी समझ ले डेथ के बाद सब खत्म है, तो ईश्वर मूर्ख था, फिर ईश्वर पागल है। लेकिन डेथ के बाद बहुत कुछ है, डेथ को एक्सपीरियंस करना है अभी आप लोगों को। अपने शरीर से बाहर आना है, अपनी भावनाओं से बाहर आना है, ये समझना है कि क्या ये संभव है कि मैं DNA अपना कंट चेंज कर पाऊँ। क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च तो यही कह रही है कि DNA तुम लाइट को चेंज कर पा रहे, इमोशन से DNA सिकुड़ पा रहे, साइंटिफिक रिसर्च तो ये कह रही है। तो क्या मैं ये सब अनुभव कर सकता हूँ? तो यहाँ हम फोकस रखेंगे। और बाकी जो वो लोग कर रहे हैं, वो उसका एक ग्राउंड पे सॉल्यूशन, हम लोगों को अवेयर करते जाएं, अवेयर करते जाएं, अवेयर करते जाएं, और अपने आप एक वक्त आएगा कि लोग जग जाएंगे। ये उसका सॉल्यूशन है।